करके जो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसको सबसे पहले हम सिंपलर फंक्शन बनाएंगे, बहुत सिंपल फंक्शन बनाएंगे, और सिंपल फंक्शन अगर बन गया जो कि बनेगा भी, उसके बाद हम इसमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है क्योंकि ये, तो हम क्या करेंगे इसमें लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और लिखते हैं हम टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड कर रहे हैं। देखो क्या आएगा, लॉग वाई है ना, वाई पे भी लॉग लगा दिया, और लॉग किस पे, कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, समझो बात को, ये पूरे का पूरा एक क्या है, मोनोमियल है, ये एक ही है। यहां भी देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मोनोमियल था, एक ही बार लॉग लगा, ये भी एक मोनोमियल है तो खाली एक ही बार लॉग लगेगा, ऐसा नहीं है कि लॉग इस पे भी लगाया, लॉग इस पे भी लगाया, लॉग इस पे भी लगाया, नहीं, ये ट्राइनोमियल थोड़ी है जो हर एक पे लॉग लगेगा, नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे मोनोमियल था विद वेरिएबल y तो लॉग लगा एक, राइट हैंड साइड पे भी एक मोनोमियल है तो लॉग लगा एक, ठीक है ना, और ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ये लॉग सबके साथ है, एक ही बार लगेगा लेकिन सबके साथ है। ठीक है, तो देखो लॉग y ऐसी रखा इज इक्वल्स टू, अब यहां पे चेक करो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी यार, ये देखो लॉग m इंटू n वाली प्रॉपर्टी, m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है, log m प्लस log n, अब कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तीन फंक्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अगर ये ऐसा हो जाए log m इंटू n इंटू p है ना, तीन हो जाए तो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n प्लस क्या हो जाएगा, log p हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो लगा रहे हैं प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं यहां पे, तो क्या होगा बताना, log cos x, log cos x प्लस log क्या हो जाएगा, cos 2x का भी हो जाएगा, फिर प्लस साइन log किसका हो जाएगा, cos 3x का भी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का मैंने यूज करा हुआ है, ठीक है, ओके, बस log की प्रॉपर्टी का यूज कर दिया, अब कोई भी log की प्रॉपर्टी नहीं लग रही है ना, तो अब हम कर रहे हैं स्टार्ट क्या, डिफ्रेंशिएशन करना। तो नाउ मल्टीप्लाइंग डी बाई डी एक्स टू बोथ साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल्स टू, यहां भी देखते रहना, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, लॉग कॉस एक्स का करेंगे, प्लस साइन उतार लिया, डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, कॉस टू एक्स का, लॉग कॉस टू एक्स, लॉग कॉस टू एक्स का भी करा, फिर प्लस साइन लगा दिया, डी बाई डी एक्स कर दिया किसका, लॉग कॉस थ्री एक्स का भी, देखो यहां पे लॉग लगाना भूल गए थे, लॉग ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस थ्री एक्स का भी कर दिया, करें स्टार्ट। अच्छा ये बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या हो जाएगा, लॉग वाई वेरिएबल कौन है न्यूमरेटर में, वाई, लॉग वाई का हो जाएगा वन अपॉन वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई, अब चेन रूल लगा लेते हैं, इनटू डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, वाई का भी करना पड़ेगा, ठीक है वाई का भी कर लिया, यहां पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग फिर से एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जैसा मान रहे हैं इसको, ठीक है यहां पे इसको एक्स जैसा माना था, तो अब यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स, एक्स बोले तो कॉस एक्स, अब क्योंकि माना है तो डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा किसका, जिसको माना है, कॉस एक्स को माना था तो कॉस एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन, फिर ये प्लस साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग फिर इसको एक्स मान लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स, एक्स माना है, ठीक है, इनटू इनटू डी बाई डी एक्स किसका, जिसको एक्स माना है, किसको माना है, कॉस टू एक्स को, क्लियर, फिर प्लस साइन, प्लस साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग इसको एक्स मान लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स, अब क्योंकि इसको एक्स माना है तो डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा किसका, कॉस थ्री एक्स का, है ना, इसको चेन रूल बोलते हैं, ओके, तो देखो वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही उतरा, यहां पे कुछ कर नहीं सकते फिलहाल के लिए, अब यहां पे देखते हैं
वन बाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो उसको ऐसे ही लिखा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, अब तो ये यार ये तो प्योर फॉर्मुला बना है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट लगा लो या नहीं भी लगाओगे तो माइनस लगा देना, ठीक है ना, माइनस यहां पे लगा देना, ठीक हो गया। प्लस प्लस ऐसी उतरा, वन बाय कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो चुका था, रख दिया बाहर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, सुनो अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फिर से है, चेन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, इसको एक्स मान लो क्योंकि एक्स नहीं है ये टू एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट्स माइनस साइन टू एक्स, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स। अब क्योंकि ये एक्स है नहीं, मान रखा है मैंने एक्स जैसा, तो डी बाई डी एक्स फर्दर करना पड़ेगा टू एक्स का भी, ठीक है। फिर प्लस साइन, वन बाय कॉस थ्री एक्स को ऐसे ही उतारा एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जैसा मान लो इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स जैसा माना है तो फर्दर डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा थ्री एक्स का करना पड़ेगा, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, सोच समझ के करना। वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही उतारा इज इक्वल्स टू भी ऐसे ही। अब यहां पे चेक करना साइन अपॉन क्या, देखो माइनस तो माइनस आ गया बाहर है ना, माइनस तो ये उतर गया, साइन अपॉन क्या उस क्या होता है टेन, टेन एक्स हो गया, क्लियर। माइनस प्लस माइनस साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स क्या हो जाएगा टेन टू एक्स, क्लियर, साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स टेन टू एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स का, टू एक्स का क्या हो जाएगा टू बाहर आ जाएगा, टू बाहर आ गया ठीक है इन टू टू, और डी बाई डी एक्स किसका बचा सॉरी डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम एक्स का, तो टू तो बाहर आ गया ना, ऊपर तो खाली एक्स बचा, तो डी बाई डी एक्स किसका होगा खाली एक्स का, जो कि डी एक्स न्यूमिनेटर में भी था डी एक्स डिनोमिनेटर में था, वन आ जाएगा इसका। प्लस माइनस फिर माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स क्या टेन थ्री एक्स। अब यहां से देख लो थ्री को बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स कैसा करेंगे हम एक्स का, जो कि फिर से डी एक्स न्यूमिनेटर में डी एक्स डिनोमिनेटर में कैंसिल होके वन। तो फाइनली हमारे पास क्या आया बताओ, देखो डी वाई बाई डी एक्स ऐसी लिखा, ये वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां राइट हैंड साइड में न्यूमिनेटर में लेके जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई को यहां लेके गए, ब्रैकेट लगा दिया, क्या बचा माइनस टेन एक्स, माइनस टू को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा सही तरीके से दिखे ताकि टू टेन टू एक्स, ठीक है ये टू इंटू टू करके फोर मत कर देना है ना, ये टू एक्स जो है ये टेन का एंगल है और ये कांस्टेंट है तो ये कहां तक आगे आ सकता है यहां तक, तो इसको मैंने यहां लिख दिया और टेन टू एक्स एज इट इज, और डी एक्स डी एक्स तो वन हो गया था खत्म, ये तो वन हो गया था ना खत्म। फिर माइनस साइन ऐसे यहां चेक करना, ये थ्री कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एंगल है और ये कांस्टेंट है, थ्री यहां तक आगे जा सकता है, इससे आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो थ्री आगे लिख दिया और टेन थ्री एक्स एज इट इज है ना, डी एक्स डी एक्स तो वन हो गए थे, ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर ऑलमोस्ट आने वाला है, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब वाई क्या है ना, वाई क्या है, वाई यार वाई तो क्वेश्चन है, वाई की वैल्यू क्या है क्वेश्चन से चेक करो, क्या है कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, क्लियर, और ब्रैकेट लगाएंगे हम, ब्रैकेट लगाएंगे बिल्कुल लगाएंगे, और बेटर क्या है देखो ना स्टूडेंट्स, हर जगह माइनस साइन आ रखा है, हर टर्म में माइनस साइन है तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये यहां तक बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा बताना, टेन एक्स प्लस का हो गया क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया था, टू टेन टू एक्स भी प्लस का हो गया क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया था, और माइनस साइन क्योंकि कॉमन ले लिया था तो थ्री टेन थ्री एक्स भी क्या हो गया प्लस का, यही तो प्रॉपर्टी होती है कॉमन लेने की, ये ठीक है। तो यार ये फाइनल हमारा आंसर हो गया, यही तो निकालना था, डी वाई बाय डी एक्स ही निकालना था, ये आ गया, क्लियर है। तो आप इसको नोट डाउन करो, होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है, वही यार लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है और आंसर आ जाने हैं, क्लियर। करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो आप।